नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे मामलों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर डाला है। भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस वक्त दुनिया के कई अन्य देश भारत की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। भारत को अब तक कई देशों से मदद मिल चुकी है। कोविड 19 की दूसरी लहर से गंभीर रूप से प्रभावित होने के बीच जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, अमेरिका, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से चिकित्सा सहायता के रूप में वेंटिलेटर्स, मेडिकल उपकरण, रेमडेसिविर और अन्य दवाओं आदि का पहुंचना जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि यूरोपीय संघ से एकजुटता और सहयोग जारी है। जर्मनी से 223 वेंटिलेटर, रेमडेसिविर की 25,000 शीशियाँ और अन्य मेडिकल उपकरणों का खेप विमान से पहुँचा। उन्होंने बताया कि नीदरलैंड से भी रेमडेसिविर की 30,000 शीशियां और पुर्तगाल से रेमडेसिविर की 5,500 शीशियां भारत पहुंची हैं। बागची ने बताया कि भारत यूरोपीय संघ के सहयोगियों के समर्थन को महत्व देते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका से रेमडेसिविर के 81,000 शीशियों की खेप मुंबई पहुंची है। इसकी हम सराहना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, हमारी साझेदारी को और गहरा बनाते हुए हम कजाकिस्तान से 56 लाख मास्क या फिर रेस्पिरेटर पहुंचने का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा साउथ कोरिया की फ्लाइट भी मेडिकल हेल्प लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है। सिंगापुर से भी वायुसेना के 4 विमान ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुँचे। गौरतलब है कि देश में कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ जंग जारी है। इस बीच दुनिया के कई देशों से मदद पहुंच रही है। बुधवार को कतर, कनाडा जैसे देशों से भी चिकित्सा सहायता की खेप पहुंची थी। वहीं मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात, लग्जमबर्ग और कुवैत जैसे देशों ने भारत को चिकित्सा सहायता पहुँचाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।